नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप स्मार्टफोन का वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्टफोन में अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं या अपनी फैमिली का फ़ोटो लगाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का वॉलपेपर यहाँ पर लगाना चाहते हैं, आपने देखा होगा स्मार्टफोन में जब आप फ़ोन को ऑन करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका फ़ोटो वहाँ पर आए, तो इस फ़ोटो को किस तरह से लगाया जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहें और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान जो फंक्शन है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी फ़ोटो को मोबाइल की होम स्क्रीन पर लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, होम स्क्रीन पर किसी भी फ़ोटो को लगाने के लिए सबसे पहले आपको उस फ़ोटो को ओपन कर लेना है जिस फ़ोटो को आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जाना है अपने फ़ोटो गैलरी में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर फ़ोटो का ऑप्शन मिल सकता है या फिर हो सकता है आपके मोबाइल में यहाँ पर लिखा हो गैलरी, तो आपको उसमें चले जाना है, उसे ओपन कर लेना है। और अब आपको जिस फ़ोटो को अपनी स्क्रीन पर लगाना है, होम स्क्रीन पर रखना चाहते हैं, उस फ़ोटो को ओपन कर लेना है। यहाँ से यहाँ पर आपको उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ, चलिए ये वाला फ़ोटो चूज़ कर लिया। अब फ्रेंड्स, जैसे आप उस फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे आपके सामने वो फ़ोटो इस तरह से आ जाएगा। आपको करना क्या है, नीचे आ जाना है और नीचे यहाँ पर मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक पेज खुल करके आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट एज वॉलपेपर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये फुल स्क्रीन पर आ चुका है और ये वॉलपेपर हमारी मोबाइल स्क्रीन पर सेट इस तरह से होगा जैसे कि ये दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम इसे अगर सेट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, नीचे यहाँ पर सेट एज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक पेज दिखाई देगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है आप इसे लॉक स्क्रीन पर रखना चाहते हैं या होम स्क्रीन पर। तो लॉक स्क्रीन वो होती है फ्रेंड्स जो कि आप बटन से मोबाइल को अनलॉक करते हैं, जब खोलते हैं तब ये दिखाई देगा। जब आपका मोबाइल खुल जाएगा तब ये होम स्क्रीन है जो हो जाती है, आपकी जो होम स्क्रीन आ जाती है उस पर अगर आपको लगाना है तो इस पर क्लिक करना है। आप अपने होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं, हम इसे होम स्क्रीन पर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बैक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर वो इमेज जो हमने लगाई थी यहाँ पर सेट हो चुकी है, आसानी से लग गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी वॉलपेपर को, किसी भी फ़ोटो को अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।